आकाश और स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। खबर बोकारो से है। बोकारो बेरमो के बड़की कुड़ी जंगल में सीआरपीएफ और जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर दो लैंडमाइंस बरामद किए हैं। बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। आपको बताएं कि दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पेक में इस वक्त की जो बड़ी सूचना इस वक्त जो आ रही है कि पेक नारायण के बड़की कुड़ी जंगल में माओवादी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है, जिसके बाद छापेमारी कर सभी बम को पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल बम को डिफ्यूज नहीं किया जा सका है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि बम को पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी सूचना आ रही है कि बम को फिलहाल डिफ्यूज नहीं किया जा सका है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोनलाइन पर बोकारो से सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और एक बड़ी सफलता हाथ लगी, हालांकि अब तक डिफ्यूज बम नहीं किया गया। क्या है पूरा मामला और पुलिस इस मामले तक कैसे पहुंची है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। यह पुलिस को उस वक्त पता चला जब उग्रवाद प्रभावित ऊपर घाट स्थित पलामू पंचायत में बड़की कुड़ी जंगल में सीआरपीएफ तथा पुलिस की संयुक्त छापेमारी चल रही थी, सर्च अभियान चल रहा था। उसी वक्त पुलिस को दो शक्तिशाली लैंड माइंस मिला, उसका वजन 30-30 किलो बताया जा रहा है। ये बीते रात की थी और रात की घट की थी और इसको अभी तक डिफ्यूज नहीं किया जा सका है। वहां पर टीम पहुंची हुई है, डिफ्यूज करने वाली टीम। और जिस तरह से पुलिस का कहना, बोकारो पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अभी इस पर जांच किया जा रहा है कि माओवादियों ने लगाया तो किस संगठन ने लगाया और किसने लगाया, सभी बिंदु पर जांच की जा रही है। जैसे ही कुछ होता है उसके बाद पुलिस इस पर विस्तार से बताएगी। जाहिर तौर पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। नक्सलियों की साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी है। लैंडमाइंस को भी बरामद कर लिया गया, इसके साथ साथ बम को भी बरामद किया है पुलिस ने। लेकिन इसके साथ आपको बताएं, जो जानकारी अभी तक मिली है इसमें पुलिस ने अभी बम को डिफ्यूज नहीं की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।